पाकिस्तान में यूं तो बढ़ती हुई महंगाई ने कारोबारी जिंदगी पर बहुत असर डाला है, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जिनकी मांग में खातिरख्वाह इजाफा देखने में आ रहा है। इस्लामाबाद के करीब टैक्सला के इलाके में कब्रों के कतबों पर नक्कोश निगार बनाना इन्हीं में से एक है। क्योंकि हम सारा दिन यही काम करते हैं कब्र का, तो ये हम जब सोचते हैं इसको काम करते हैं देखते हैं तो हमारा ध्यान सब कब्र पर जाता है। यार अगर हम ये काम इस तरह कर रहे हैं, जिस तरह खूबसूरती से हम ये काम कर रहे हैं, अगर इस खूबसूरती से हम अपनी जिंदगी भी गुजारे तो हमारी जिंदगी अच्छी होगी। कुछ लोग अपने प्यारों की कब्रों पर लगाए जाने वाले इन कतबों की तैयारी पर हजारों और कभी तो लाखों रुपए खर्च करते हैं। असल में क्या है कि हमारे मुल्क में आप देख रहे हैं किस्म का रवाज बन गया है, दस्तूर बन गया है। आप बाहर चले जाएं, अरबों में चले जाएं, वहाँ पर ये नहीं है, ये निज़ाम नहीं है, कोई आदमी कब्र पक्की नहीं करता है, लेकिन हमारे मुल्क में सब लोग ऐसे करते हैं। स्याह रंग का पेंट या स्याही इन कतबों की तैयारी में सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। इसके साथ साथ कुरानी आयात इन कतबों पर लिखना भी एक रिवायत बन चुकी है, ताहम मकामी इमाम और मजहबी रहनुमाओं के नज़दीक ये गैर इस्लामी फेल है। अब देखें कि ये जो है वो वीरान जगहों पे होते हैं, अगर वीरान ना भी हो तो वहाँ पे ये जानवर वगैरह जाते हैं, वो वहाँ पे पेशाब वगैरह करते हैं। उस तरह जो पाक की आयात वगैरह हैं या दुरूस वगैरह लिखते हैं या अहदीस वगैरह लिखते हैं तो उनकी तो बेअदबी का जो है ज्यादा इस्तेमाल होता है। इस तरह बेअदबी होती है, सवाब की जाए उल्टा वो जो है वो गुनाह मिलता है। कुछ लोगों का ख्याल ये भी है कि जितनी ज्यादा कुरानी आयात कतबों पर लिखी जाएंगी उतनी ही ज्यादा इस कब्र पर रहमतें नाजिल होंगी।